मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी वेलकम टू अपना कॉलेज आज की वीडियो के अंदर हम एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हैश सेट अब ये जो वीडियो है और इसकी जो आने वाली तीन चार वीडियोस होंगी उसके अंदर हम हैशिंग को कम्प्लीटली कवर कर रहे होंगे जावा के अंदर अब हैश हैशिंग हैश सेट हैश मैप ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनको हम बार 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 सुनेंगे तो अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जब शुरुआती वीडियोज़ में आपको इसका मतलब नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में इसका पूरा का पूरा इंटरनल इंप्लीमेंटेशन एक्सप्लेनेशन हम सब कुछ कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम हैश सेट नाम के डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे अगले वाली वीडियो में हैश मैप के बारे में बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिफरें उसकी वेरिएशन्स की बात करेंगे उसके बाद देखेंगे कि ये हैश सेट और ये हैश मैप ये तो दोनों इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं हैश टेबल्स क्या होती हैं बेसिकली जावा के अंदर हैशिंग होती क्या है इसको हम लास्ट थर्ड या फोर्थ वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे उससे पहले हम सेट और मैप्स की बात करेंगे अब ये जो सेट शब्द है ये हमने मैथ में ज़रूर सुना होगा अगर 11, ट्वेल्थ में हमारे पास मैथ थी अगर नहीं थी तो मैं फिर भी बता देती हूँ सेट एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है मैथ के अंदर जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर डालते हैं मान लीजिए मैंने वन टू थ्री फोर दोबारा से फोर एंड दोबारा से वन को एक सेट के अंदर ऐड करने की कोशिश की ये एक सेट है तो क्या होगा सेट डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं करता यानी सेट के अंदर ऐड सिर्फ वन टू थ्री एंड फोर ही होगा ये जो फोर है एंड ये जो वन है इसको सेट डुप्लीकेट्स की तरह ट्रीट करेगा और इसको अपने अंदर ऐड नहीं करेगा यानी सेट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं और यही सेम प्रॉपर्टी जब हम जावा के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैश सेट्स का अब हैशसेट एक बहुत ही ज्यादा मेरा फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर है बट एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है मैं बताती हूँ क्यों अब ये जो है ये एक्चुअल स्क्रीन शॉट्स हैं गूगल जब इंटरव्यूज के लिए आपको इन्वाइट करता है तो गूगल मेरे को अच्छी कंपनी इसलिए लगती है क्योंकि वो पहले ही बता देते हैं कि हम क्या पूछने वाले हैं इंटरव्यूज के अंदर तो टॉपिक्स आपको बता दिए जाते हैं कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स पूछने वाले हैं वो बता दिए जाते हैं तो एक इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड नाम से आपको ईमेल भेजता है उसके अंदर सारी चीजें डिफाइंड होती हैं रिसोर्सेज डिफाइंड होते हैं तो वो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट आपको भेजता है उसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि हैश टेबल्स नाम की जो चीज़ है ये फोर्थ नंबर पे है एंड मेरी एक गूगल के सीनियर से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि फ़ाइव टू सिक्स राउंड जो भी इंटरव्यूज़ के होते हैं उसके अंदर हैशिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है मतलब हैश सेट और हैश मैप आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे आपको मैथ में क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत कम करना होता है या आपको बहुत प्रोग्राम लिखने होते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाना है, अपने एलगोरिदम्स को कैसे बनाना है, उसके अंदर हैश टेबल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है एंड इनफैक्ट इंटरनल इंप्लीमेंटेशन जो होता है इसीलिए कॉन्सेप्ट को सब्जर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत एक्सटेंसिवली हैश सेट्स के बारे में बात कर रहे होंगे सबसे पहले बात करते हैं कि हैश सेट इतना इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर क्यों है अब हैश सेट एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैश सेट के अंदर अगर हम इंसर्ट करते हैं कोई भी वैल्यू मतलब जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम नाम दे देते हैं हैश सेट इसके अंदर अगर हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहेंगे मतलब ऐड करना चाहेंगे तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसके लिए लगेगा कॉन्स्टेंट टाइम अगर इसके अंदर मुझे सर्च करना है कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या क्या सेट मेरा कंटेन करता है किसी एलिमेंट को तो उसके लिए भी लगेगा कॉन्स्टेंट टाइम एंड अगर मुझे किसी एलिमेंट को किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है रिमूव करना है तो उसके लिए भी कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा तो तीनों जो मेजर फंक्शन होते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए उसके लिए हैश सेट में कॉन्स्टेंट टाइम लगता है दैट इज वाई इट इज अ वेरी एफिशियंट डेटा स्ट्रक्चर अगर मैं इसको दूसरे डेटा स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करूं सबसे एक क्लासिकल एग्जाम्पल तो सबसे पहला कंपैरिजन ले अपने सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का विच इज एन एरे अगर हम एक एरे की बात करें तो एरे के अंदर यानी ऐड के अंदर कितना टाइम लगता है लगता है बिग ऑफ वन का यानी कांस्टेंट टाइम लगता है हम सिंपली क्या करते हैं इंडेक्स बता देते हैं एरे में ऐड कर देते हैं अगर कंटेंट्स मतलब किसी एलिमेंट को सर्च करना है किसी एरे के अंदर तो यहाँ पे हमें लीनियर टाइम लगता है मतलब बिग ऑफ एन का टाइम लगता है क्यों क्योंकि बार 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 हर इंडेक्स पे जाके हमें चेक करना पड़ता है क्या यहाँ एलिमेंट है यहाँ एलिमेंट है तो उस तरीके से पूरे एरे को हमें ट्रवर्स करना पड़ता है उसके बाद अगर रिमूव करना है किसी एलिमेंट को एरे से तो उसके अंदर कितना टाइम लगता है हमें उसके अंदर दोबारा से हमें बिग ऑफ एन का टाइम लगता है क्योंकि अगर किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो बाकी

सॉर्टेड एरे में ऐड करने का टाइम होता है बिग ऑफ एन सर्च करने का जो टाइम है वो हो जाता है हमारा लॉग इन की इक्वल अब एन से तो कम है लॉग इन पर फिर भी ऑफ वन से ज़्यादा है मतलब कांस्टेंट से ज़्यादा है और रिमूव करने के लिए क्या करते हैं सॉर्टेड में दोबारा से वही आगे पीछे हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं इसीलिए हमारा सॉटेड एरे भी इतना एफिशेंट नहीं होता कोई बड़ा डेटा स्ट्रक्चर सोच के देखते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री के बारे में सोच के देखते हैं बी एस टी के अंदर एड का टाइम कितना होता है एड का टाइम होता है वर्स्ट केस में हमारा हाइट के इक्वल सर्च का टाइम कितना होता है वर्स्ट केस में हाइट के इक्वल रिमूव का टाइम वर्स्ट केस में हाइट के इक्वल और अगर एन नोड्स है हमारे बी एस टी के अंदर लास्ट क्लास हमने बी एस टी की ही कवर की थी उससे हमें ये सारी चीजें पता चल गई होंगी और अगर एन नोड्स हैं तो वर्स्ट केस में क्या होगा ये बिग ऑफ एन हो जाएगा बिग ऑफ एन हो जाएगा बिग ऑफ एन हो जाएगा तो बेस्ट केस में भी द सर्च टाइम कम्स आउट टू बी बिग ऑफ लॉग एन तो लॉग इन तक ही जा पाते हैं हम बी एस टी के अंदर इसीलिए एक कॉन्स्टेंट टाइम होना किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है जब भी हम एल्गोरदम्स की जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं दैट इज़ वाई दिस इज़ माई फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर एंड जैसे जैसे इसको हम यूज़ करेंगे इतना सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है कि आपका भी फेवरेट हो जाएगा अब सबसे पहले बात करते हैं हैश सेट के क्रिएशन की तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन को हम एक हैश सेट के ऊपर करके देखेंगे हमने एक क्लास बनाई हुई है इस क्लास को मैंने नाम दिया है हैशिंग साथ के साथ एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है अब हैश सेट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट हैश सेट को तभी हम इसको क्रिएट कर पाएंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर अगर हम किसी भी प्रोग्राम में ये वाली लाइन मिस कर देते हैं तो हैश सेट नहीं चल पाएगा और वो हमें एरर देगा या तो हम सिंपली हैश सेट लिख सकते हैं या सारे के सारे पैकेजेस लाइब्रेरीज ये सब इंपोर्ट कर सकते हैं तो हम सारे नहीं करेंगे ताकि मैं एक एक करके आपको बता सकूँ क्या क्या जरूरी होता है इम्पोर्टेशन के लिए तो हैशसेट को इम्पोर्ट कर लिया तो क्रिएशन सबसे पहले हम करने वाले हैं एक हैशसेट के अंदर हैश सेट को क्रिएट कैसे करते हैं उसको लिखने का ये सिंटैक्स होता है सबसे पहले हम लिखते हैं हैंशसेट फिर लिखते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के स्टोर होंगे क्या डेटा टाइप होगा मान लीजिए मुझे इंटीजर्स को स्टोर कराना है तो इस तरीके से मैंने लिखा इंटीजर फिर अपने सेट को नाम दे दिया सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट मेरे एंगुलर ब्रैकेट्स एंड उसके बाद पेरेंथेसिस अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वही सेम सिंटैक्स है जिसकी हेल्प से हम एरे लिस्ट को डिफाइन करते थे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट बिल्कुल सेम सिंटैक्स है बस यहाँ एरे लिस्ट की जगह हैश सेट हो गया है तो बहुत सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है यूज करने के लिए सेट को मैंने डिफाइन कर लिया अब मुझे क्या करना है इस सेट के अंदर अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है तो अब हम सीखेंगे इंसर्ट सेट डॉट ऐड जैसे एरे लिस्ट के अंदर हम क्या करते थे लिस्ट डॉट ऐड कर देते थे और फिर अपना एलिमेंट वैसा ही कुछ यहाँ करते हैं मान लीजिए पहले मुझे वन को ऐड करना है उसके बाद मुझे क्या करना है सेट डॉट ऐड टू उसके बाद मुझे क्या करना है सेट डॉट ऐड थ्री एंड दोबारा से सेट डॉट ऐड वन तो मैंने दो बार वन को ऐड किया है लेकिन सेट के अंदर जैसे एलिमेंट स्टोर होंगे सिर्फ वन टू थ्री स्टोर होगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं और एडिशन का प्रोसेस कैसा है सिंपली वही लिस्ट वाला ही फंक्शन यूज करना है डॉट एड सेट के अंदर भी हम लिख सकते हैं डॉट एड नेक्स्ट क्या देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे सर्च कैसे करते हैं सर्च करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन होता है सेट के अंदर विच इज कॉल्ड कंटेन्स यानी सेट कोई एलिमेंट को किसी ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है या नहीं करता वो कैसे चेक करेंगे उसके लिए चेक करेंगे इफ मान लीजिए सेट डॉट कंटेन्स मुझे चेक करने कि मेरे सेट के अंदर वन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता तो इसके लिए लिखूँगी मैं सेट डॉट कंटेन्स फंक्शन कंटेन्स के अंदर मुझे पास करना है अपना एलिमेंट वन और ये इसने अगर ट्रू रिटर्न किया तो मतलब सेट के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है अगर ट्रू रिटर्न नहीं किया तो सेट के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो उस केस में मैं प्रिंट कर दूंगी सेट कंटेन्स वन बाकी इसके लिए नेगेटिव केस भी देख सकते हैं मान लीजिए मुझे चेक करना है सेट में सिक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता तो मैंने यहाँ लिख दिया सिक्स और लिख दिया डज नॉट कंटेन इससे क्या होगा अगर सेट डॉट कंटेन्स ने फॉल्स रिटर्न किया तो ये मेरा नेगेशन ऑपरेटर क्या करेगा नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू बना देगा और अगर मेरा सेट सिक्स को कंटेन नहीं करता है तो उस केस में मैं प्रिंट करवा दूंगी डज नॉट कंटेन इतने कोड को सेव करके एक बार रन करते हैं set contains one and does not contain. कैसे प्रिंट हुआ है? सबसे पहले क्रिएशन से एक सेट बना होगा मेमोरी के अंदर उसके बाद सेट के अंदर मैंने वन टू थ्री वन को ऐड किया बट सेट के अंदर से वन टू थ्री ऐड हुए। इसको हम चेक करेंगे वेरीफाई करेंगे कैसे फिर मैंने सर्च ऑपरेशन को अप्लाई किया जिसमें मैंने चेक किया कि सेट के अंदर क्या वन एग्जिस्ट करता है क्या सेट वन को कंटेन करता है उसके प्रिंट हुआ सेट कंटेन फिर six को contain करता है? क्या? तो उसके प्रिंट हुआ does not contain. अब इसके बाद next किस चीज की बात कर सकते next बात कर कर सकते सकते हैं हैं कि delete कैसे perform करते हैं सेट के अंदर तो जैसे लिस्ट के अंदर डॉट रिमूव फंक्शन होता है वैसे ही सेट के अंदर भी डॉट रिमूव फंक्शन होता है हम लिखेंगे सिंपली सेट डॉट रिमूव वन और वेरीफाई कैसे करेंगे इफ सेट डॉट कंटेन्स वन इसका नॉट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि रिमूव हो जाएगा वन तो उसके बाद ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो मेरा नॉट ऑपरेटर फॉल्स को ट्रू बनाएगा तो उस केस में मुझे क्या प्रिंट करवाना है मुझे प्रिंट करवाना है डस नॉट कंटेन वन या फिर वी डिलीटेड वन इसको भी एक बार सेव करके करते हैं रन तो लास्ट में क्या प्रिंट हुआ इट डज नॉट कंटेन वन यानी ये वन रिमूव हो गया इनफैक्ट हमने क्या किया था दो वन ऐड किए थे और जैसे ही मैंने एक वन रिमूव किया उससे क्या हुआ सेट में अब है ही नहीं क्योंकि सेट ने सिर्फ एक ही कॉपी रखी थी वन की उसने डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं किया सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को ऐड किया था इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं सेट का हम साइज भी प्रिंट कर सकते हैं साइज कैसे प्रिंट करेंगे सिंपल वही एरे लिस्ट वाला मेथड जैसे एरे लिस्ट के अंदर हम क्या करते थे एरे लिस्ट के अंदर हम लिस्ट डॉट साइज करवाते थे तो वैसे ही सेट के अंदर भी हम प्रिंट करवा सकते हैं साइज ऑफ सेट इज ये मुझे रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मैं लिखूंगी सेट डॉट साइज तो डॉट साइज फंक्शन सेट के अंदर भी काम करता है मैंने क्या किया चार एलिमेंट्स को ऐड किया पर क्योंकि उनमें से एक डुप्लीकेट था तो मेरे लिए क्या प्रिंट होगा मेरे लिए प्रिंट होगा साइज ऑफ द सेट इज थ्री क्योंकि उसने सिर्फ इन तीन यूनिक एलिमेंट्स को लिया चौथे को उसने इग्नोर कर दिया तो इस तरीके से हम सेट का साइज भी प्रिंट करवा सकते हैं जावा के अंदर अब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं अगर मान लीजिए मुझे अपने सेट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊं तो उसके लिए सिंपली क्या कर सकते हैं सिंपली हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिट लिखेंगे और सेट का नाम लिख देंगे तो सारे के सारे एलिमेंट सेट के प्रिंट हो जाएंगे जैसे अगर मुझे प्रिंट करवाने हैं प्रिंट ऑल एलिमेंट्स तो उसकेस में मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखूँगी और फिर लिखूंगी अपने सेट का नाम तो उससे सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे वन टू एंड थ्री तो इस तरीके से आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे और उसके अंदर सेट के सारे एलिमेंट्स अब एक स्पेशल चीज़ की बात करते हैं सेट के अंदर एक आइटरेटर नाम की चीज़ होती है आइटरेटर हमने तब पढ़ा होगा जब हमने लूप्स की बात की थी लूप्स के अंदर हम क्या करते थे लूप्स के अंदर हम एक आइटरेटर बनाते थे जैसे हमारा फॉर लूप होता है उसके अंदर अगर मैं आई इज़ इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस इस तरीके की स्टेटमेंट लिखूं तो इसमें ये आई ये एक आइटरेटर है आइटरेटर बेसिकली एक वेरिएबल होता है एक सिंबल होता है जो आइटरेट करता है मतलब किसी चीज़ को आगे 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 आगे, आगे लेकर जाता है तो सेट्स के अंदर भी एक आइटरेटर होता है जिसके थ्रू हम सेट्स के एलिमेंट्स को ट्रवर्स कर सकते हैं क्योंकि सेट का कोई इंडेक्स नहीं होता तो इसको आईज ईकल टू जीरो आईज ईकल टू वन आईज ईकल टू टू इस तरीके से हम आइटरेट नहीं करते इसके लिए एक स्पेशल आइटरेटर यूज होता है उसको बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटेल डॉट आइटरेटर को तो आइटरेटर को इंपोर्ट करने के बाद ही हम आइटरेटर को यूज कर पाएंगे क्या करेंगे लिखेंगे इटरेटर आईटी इज इक्वल टू सेट डॉट इटरेटर तो सेट के अंदर ये इटरेटर नाम का मेथड होता है जो सेट के लिए इटरेटर रिटर्न करता है मतलब सेट को कैसे ट्रावर्स करना है उसके लिए एक वेरिएबल रिटर्न करेगा जिसको माइटेरेटर कहते हैं उसकी वैल्यू को हमने आईटी के अंदर स्टोर करा लिया और ये आईटी IT एक इटरेटर है जिसको सेट ने रिटर्न किया है और इसका टाइप क्या है इसका टाइप भी इटरेटर है बहुत थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा होगा सुनने में आइटरेटर आइटरेटर बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेट्स को भी हम आइटरेट करते हैं यूजिंग दिस एंड हैश मैप्स को भी हम आइटरेट करते हैं यूजिंग दिस आइटरेटर अब जैसे ही मैंने एक आइटरेटर बना लिया इस आइटरेटर के दो स्पेशल फंक्शन होते हैं एक होता है हमारा हैज नेक्स्ट फंक्शन एक होता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन अब एक बार इसको समझ लेते हैं कि आइटरेटर के अंदर ये फंक्शन का काम क्या होता है मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया जिसके अंदर एलिमेंट स्टोर्ड है वन टू एंड थ्री अब मेरे सेट नहीं मुझे एक आइटरेटर दिया आई इसको हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं ऐसा होता नहीं है पर इसे विजुअलाइज कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अभी मेरे आइटरेटर जो है किसको पॉइंट कर रहा है अभी मेरा आइटरेटर किसी वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा एक नल वैल्यू को पॉइंट कर रहा है मतलब खाली जगह को पॉइंट कर रहा है इसके बाद आइटरेटर के अंदर एक नेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है तो नल के बाद नल का अगर नेक्स्ट देखा जाए तो वो वन होगा इसका नेक्स्ट देखा जाए टू होगा इसका नेक्स्ट देखा जाए थ्री होगा अब ये पहले वन ही आएगा टू ही आएगा थ्री ही आएगा ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि सेट्स अनऑर्डर्ड हो सकते हैं हो सकता है यहाँ पहले तीन हो यहाँ पहले दो हो यहाँ पहले वन हो तो सेट्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह है उसमें ज़रूरी नहीं है आपने पहले वन ऐड किया तो आपको बाहर भी वन ही पहले मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है तो इसीलिए बस मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ मान लीजिए आई है आई आपका वो अभी पॉइंट कर रहा है नल की तरफ पर नल के बाद वो किसको पॉइंट करेगा वन को बाद में पॉइंट करेगा टू को बाद में पॉइंट करेगा थ्री को तो अगर आप ये फंक्शन लिखते हैं आई टी डॉट नेक्स्ट तो वो आपको क्या रिटर्न करके देगा वो आपको रिटर्न करके देगा नेक्स्ट वैल्यू को नल की नेक्स्ट वैल्यू क्या है तो सबसे पहले रिटर्न करेगा वन को उसके बाद दोबारा आपने अगर लिखा आई टी डॉट नेक्स्ट तो फिर क्या रिटर्न करेगा वन के भी नेक्स्ट को मतलब इसने वन को रिटर्न किया और अब आई टी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है तो इसका नेक्स्ट क्या होगा इसका नेक्स्ट होगा टू तो आपने दोबारा लिखा तो ये रिटर्न करेगा टू को तीसरी बार अगर आपने लिखा आई टी डॉट नेक्स्ट तो इस किस को रिटर्न करेगा रिटर्न करेगा थ्री को ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि शुरुआत में पॉइंट कर रहा है किसी नल को या फातलू वैल्यू को ऐसा कुछ विजुअलाइज करना है हमें पहली बार जब डॉट नेक्स्ट लिखेंगे तब जाकर पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा दूसरी बार डॉट नेक्स्ट लिखेंगे तो दूसरा एलिमेंट रिटर्न करेगा तीसरी बार डॉट नेक्स्ट लिखेंगे तो तीसरा एलिमेंट को रिटर्न करेगा तो ये हो गया आईटी का नेक्स्ट फंक्शन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आईटी के पास इस फंक्शन का नाम होता है हैज नेक्स्ट ये रिटर्न करता है या तो ट्रू या फॉल्स तो अगर आपका जो इटरेटर है उसके पास कोई नेक्स्ट वैल्यू है अभी तो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर आगने वाली सीरीज में कोई भी नेक्स्ट वैल्यू अब बची नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो शुरुआत में जब आईटी नल पे पॉइंट कर रहा है तब तो रिटर्न करेगा ट्रू उसके बाद वन पे पॉइंट करेगा तब भी रिटर्न करेगा हैज नेक्स्ट के लिए ट्रू उसके बाद टू पे पॉइंट कर रहा है तब भी हैज नेक्स्ट के लिए ट्रू रिटर्न करेगा जैसे ही आपने थ्री को प्रिंट करवा दिया वैसे ही आप उसका हैज नेक्स्ट चेक करेंगे मतलब जैसे ही आई डॉट नेक्स्ट में इसने थ्री को प्रिंट करवा दिया उसके बाद अगर हम हैज नेक्स्ट चेक करेंगे आई के लिए तो क्या रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि उसने एक एक करके एक एक करके सारे के सारे, सारे सेट पे आइटरेट कर दिया अब कोई एलिमेंट ऐसा है नहीं जिसके लिए वो ट्रू रिटर्न कर पाए इसीलिए लास्ट में जब उसके पास बिल्कुल लास्ट एलिमेंट को वो करा रहा होता है उस केस में रिटर्न कर देता है फॉल्स को। को को अब इसी स्पेशल प्रॉपर्टी यूज़ यूज़ करके, करके मतलब इन दोनों को करके, हम क्या लगाएंगे? के ये लगाएंगे कि जब तक आईटी के पास उसका नेक्स्ट है एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तब तक मैं क्या करूं तब तक मुझे प्रिंट करवा देना है आई टी डॉट नेक्स्ट को तो इससे क्या होगा मेरे पास वो वैल्यू भी आ जाएगी जिसको मुझे प्रिंट करवाने और हर बार मैं चेक भी कर लूंगी कि आगे कोई और वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या और जैसे आई टी डॉट नेक्स्ट मैंने प्रिंट करवा दिया वैसे ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है मतलब यहाँ आई टी प्लस प्लस आई टी माइनस माइनस हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी ये ऑटोमेटिकली फंक्शन इसको अपडेट कर देता है तो सेम कोड को हम लिख के देखते हैं आईटेरेटर हमने बना ही लिया है आई टी इज़ इक्वल टू सेट डॉट आईटेरेटर अब एक लूप लिख लेते हैं कॉमेंट को हटा देते हैं एंड एक लूप लिखते हैं वाइल आई टी डॉट हैज नेक्स्ट तब तक मुझे क्या करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन आई टी डॉट नेक्स्ट को इसको कर लेते हैं सेव एंड रन क्या प्रिंट हुआ सबसे पहले वन प्रिंट हुआ फिर टू प्रिंट हुआ एंड फिर प्रिंट हुआ थ्री अब ये वन टू थ्री सोच के देख के आपको लग रहा होगा कि सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट जिस भी ऑर्डर में हम डालते हैं वो सॉर्ट करके हमें प्रिंट करवाता है या उसी ऑर्डर में प्रिंट करवाता है ऐसा नहीं होता अब अगर हैश सेट की मैं डेफिनेशन भी देखूँ वी कोड के अंदर यहाँ पे होवर किया तो सेट कहता है कि दिस क्लास इम्प्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस

नए एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे इंटरनली आपका ऑर्डर चेंज भी होता जाएगा तो हैशसेट सेट अनऑर्डर्ड होते हैं इसीलिए सी प्लस प्लस सेट नाम से एक डेटा स्ट्रक्चर होता है तो यहां हमने सेट के अंदर क्रिएशन देख लिया है इंसर्शन देख लिया है साइज देख लिया है प्रिंट कैसे करते हैं सारे एलिमेंट्स को डिलीशन देख लिया है और देख लिया है सेट के अंदर आईटेट कैसे करते हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर का कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहा होगा इसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे मैप्स के बारे में एंड में हम कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है हैश टेबल से प्लस हैशिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया कहां से जावा के अंदर हैशिंग का मतलब होता क्या है आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रेन कीप लर्न and keep practicing.